मैंने मतलब बचपन में फिफ्थ स्टैंडर्ड से थिएटर करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि स्कूल में भी एनुअल फंक्शन के टाइम पे हमारे सर आते थे। अच्छा, मैंने तेरा वो वाला एपिसोड देखा था यार, तो उसमें तो बड़ा बुरा बुरा कर रही है, ऐसी तो एक्चुअल में तो है नहीं है। मैंने अपना गोल सेट किया कि हाँ, कि मुझे ये करना है, पॉलिटिशियन बनना है। एक टाइम पर तो ये भी सोच लिया, जब बच्चे होते हैं ना उस टाइम पर ये मेरा माइंड सेट था कि यार मुझे ना प्राइम मिनिस्टर बनना है एंड मुझे ये चीज़ें करनी है। मुझे भी काफ़ी बार ये बात पूछी गई थी, आपको आगे से यही बोलेंगे कि मैम आपका सब कुछ टाइम है, बट एक ना कंडीशन है, दे आर आस्किंग फॉर अ कॉम्प्रो, जो कि कह सकते हो कि हम सबको पता ही कर, बट स्टिल दे आस्क। मैंने आज तक जितने भी लोग देखे हैं ऐसे, मुझे पर्सनली फील हुआ है उन्हें किसी बात का गिल्ट नहीं होता, बट ये आपके ऊपर ही होता है कि आप उस चीज़ को कैसे डील कर रहे हैं। तो वो आपको एक शॉर्टकट सामने रखते हैं कि आप ये करो, आपका ये हो जाएगा। और हाँ, आप टेंशन मतलब हम किसी को नहीं बताएंगे। सत श्री अकाल मैम। सत श्री अकाल जी। मैम स्टार्टिंग तो पहला मैं कहा यासमीन तो यासमीन हाँ भी ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿਵੇਂ? ਮਤਲਬ ਯਾਸਮੀਨ ਤਾਂ ਹਨਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਬੰਦਾ, ਚਲ ਈਜ਼ੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਹਨਾ ਵੀ ਯਾਸਮੀਨ ਯਾਸਮੀਨ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਵਾਈ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਐਕਚੁਅਲ ਮੈਂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਕੀ ਬਾਤ ਲੱਗ ਲਈ ਹੂੰ ਹਨਾ, ਤੋ ਪਾਪਾ ਕੋ ਥਾ ਕਿ ਮੁਝੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਕਾ ਨਾ ਨਾਮ ਯੂਨੀਕ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਤੋ ਉਹਨੇ ਕਾਫੀ ਸਰਚ ਕੀਆ, ਤੋ ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਾਮ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਲਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਾ ਕਿ ਇਹੀ ਮੁਝੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਕਾ ਨਾਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਯਾਸਮੀਨ। ਜੇ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਵਾਈਬ ਕਰ ਦੋ ਬਸ। ਹਾਂ, नाम मतलब इसकी स्पेलिंग भी डिफरेंट है, वैसे यूजुअली जैस्मिन की स्पेलिंग होती है जे ए एस एम आई एन ई, यास्मीन है वाई ए एस एम डबल ई एन, यास्मीन। तो मतलब पापा ने काफी सोच समझ के ही रखा था कि। वैसे मैम आपका बचपन व्यतीत कहाँ पे हुआ? मेरा कह सकते हो बल्ताना में हुआ है, ये जीरकपुर के पास ही है। तो बचपन से ही वहीं से मतलब मुझे मेरे घर वालों ने बड़ा किया है ना, और जो मेरी स्कूलिंग हुई है वो स्कूलिंग हुई है मेरी चंडीगढ़ से। टेंथ तक मैंने द ट्रिब्यून मॉडल 29 सेक्टर में वहाँ से अपनी एजुकेशन ली है, और उसके बाद प्लस वन प्लस टू मैंने 18 मॉडल जो गर्ल्स का है सेक्टर 18 सी वहाँ से की है। देन आफ्टर दैट मैंने जो अपनी हायर स्टडीज़ हैं, अभी मैं करंटली कर रही हूँ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, वो कर रही हूँ चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से कड़ूमा। ओके मैम, हम थोड़े काफ़ी मतलब सीरियल आ रहे हैं ना, जीत आ रहा है, मतलब वो काफ़ी तुम सॉन्ग जो भी की थी, मतलब होया क्या मैं इन्हों? मैंने वैसे कभी सोचा नहीं था कि मैं एज एन एक्टर इन फ्यूचर काम करूँगी। मैंने मतलब बचपन में फिफ्थ स्टैंडर्ड से थिएटर करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि स्कूल में भी एनुअल फंक्शन के टाइम पे हमारे सर आते थे, उनका नाम विजय सर, मतलब मैं उन्हें विजय सर कहती थी, तो विजय सर आते थे, वो हमें करवाते थे थिएटर। तो कह लो कि उनकी हेल्प से मुझे काफ़ी कुछ पता लगा एक्टिंग के बारे में, एंड 9th-10th तक मैंने किया एंड काफ़ी प्यारे प्यारे रोल्स किए हैं। अब जब मैं क्लास 5th में थी ना, तब मुझे करेक्टर मिला था, साइड रोल मिला था, एंड मेरी एक आदत है बचपन से कोई कुछ बोल रहा होता है ना तो मैं बड़े ध्यान से सुनती हूँ और मैं सेम उसी टोन में बोलने की कोशिश कह सकते हो मिमिक करना स्टार्ट कर देती हूँ, और मुझे एक एक बात याद रहती है उसकी कि उसने अच्छा इस टोन में, जैसे आप बोलोगे फॉर एग्जाम्पल कोई मुझे बोल रहा है हेलो यास्मीन, तो आगे से ऐसे में हेलो, मतलब उसी टोन में रिप्लाई देना। तो मैंने जो उस टाइम पे करेक्टर मुझे जो मिला था वो मैंने करना तो था साइड रोल है ना, एक शिष्य का मिला था जिसमें मैंने बोलना था जी जी गुरु जी, बस इतना सा डायलॉग था। बट क्या हुआ, जो हमारे मेन करेक्टर था ना वो ऋषि वशिष्ठ जो कर रहे थे, उनको टॉन्सिल हो गए थे लास्ट डे पे, तो किसी ने टीचर को बताया कि यास्मीन जो है ना वो ना रिसेस टाइम पर बहुत ज़्यादा मिमिक्री करती थी, मतलब वो उनकी कॉपी करती थी।
और एक बार पूछ भी लिया था क्योंकि एंड टाइम पे अनाउंसमेंट हुई थी कि कोई कर सकता है, तो फिर मैंने हाथ खड़ा किया था और बाकी उन्हें भी बोला था। मैं थोड़ी छोटी सी तो बच्ची थी फिफ्थ क्लास की, है ना, तो उस टाइम तो नहीं हुआ, मैंने कहा नहीं नहीं कर लूँगी कर लूँगी। एंड मैम ने भी उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा मतलब अप्रिशिएट किया था, और लिटरली सिर्फ मतलब शाम को डिसाइड हुआ, अगले दिन परफॉर्मेंस है टैगोर थिएटर में, ठीक है, तो वो भी एज अ लीड, तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने दे दी थी, और उसके कम से कम 110 डायलॉग्स थे, तो वो मुझे याद थे, तो वो बहुत अच्छे से गया था। तो एक कह सकते उस टाइम मुझे पता लगा कि हाँ मेरे अंदर वो स्टेज फियर नहीं है, कोई भी मुझे चीज़ बोलेगा करने को तो आई विल लाइक कि हाँ ऑडियंस इंटरेक्शन करनी है ये बोलना है, आई विल डू इट एट दैट टाइम। तो वो चीज़ मुझे उस टाइम फील हुई कि आई गेस ये चीज़ मैं कर सकती हूँ। एक्सप्रेशंस सर ने ही मुझे उस टाइम पर बताया कि बच्चों देयर इज समथिंग अच्छा है, उन्होंने पूरा क्लियरली नहीं बताया। नहीं यास्मीन, जब मैं स्टार्टिंग से आप मतलब थिएटर्स में आ गया ना, बट होया कि मतलब जो थोड़ी फैमिली जी है तो मतलब एज ए सिख ही है ना, उस इधर आना मॉडलिंग वाली साइड से है ना, भी थिएटर करते करते नाल जर्नलिज्म करना करना, फिर इस साइड में एक यार रुझान आ जाना कि नहीं मैं ये चीज़ कर सकती हूँ, उस चीज़ में लैके हूँ मतलब सिख फैमिली चो निकल के घर तो दूर रह के वो चीज़ होंगी नहीं कि हाँ भी यार मैं दूर हाँ घर तो फैमिली की सोचूगी। नहीं मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है, एक्चुअली उन्होंने ही मुझे कह सकते हो कि इस काबिल बनाया है कि इफ़ यू आर कैपेबल ऑफ डूइंग सच थिंग्स जस्ट गो फॉर इट। तो उन्होंने मुझे कभी भी ऐसा फील नहीं करवाया कि तुम इस रिलीजन से बिलोंग करती हो, बट मुझे भी पता है कि अगर इस रिलीजन से बिलोंग करती हूँ तो मुझे किस लिमिट में रहकर काम करना है। इफ आई एम रिप्रेजेंटिंग माई फैमिली एज वेल, सो आई शुड नो क्या काम करना है क्या काम नहीं करना और कैसे करना है कैसे डील करना है, वो चीज़ मेरी फैमिली ने मुझे बहुत अच्छे से सिखाई है, मैं अभी भी अप्लाई करती हूँ। जैसे हम थोड़ा मतलब सीरियल में लिखा मे बी खसमा नु खाने इदा करके है ना, वो पंजाबी सीरियल फिर जो पंजाबी ओदे च बोलनी है ना, मतलब पंजाबी दे नाल तुसी शुरू तो मतलब इत्थे रहे हिंदी दे नाल थोड़ा संबंध जुड़िया, फिर पंजाबी दे नाल तालुकात किवें हुंदा, समेल किवें करदे पंजाबी हिंदी में? स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आई थी, बट मुझे कह सकते हो कि बहुत बहुत अच्छे लोग मिले जिन्होंने मुझे बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया। ऐसा नहीं होता ऐदा बोला कर, मतलब वो ऐसे बीच बीच में मुझे गाइड करते थे, मैंने बहुत प्रैक्टिस की थी, दो आई नो वो प्रॉपरली कई बार नहीं आती थी, बट स्टिल मैंने वो चीज़ छोड़ी नहीं, उस पर वर्क किया मैंने प्रॉपरली। मेरे फैमिली में मेरे पापा हैं, मैं हूँ, और मेरी छोटी बहन है, दादी दादू चाची चाचू और उनके दो बच्चे। अच्छा मतलब सारी फैमिली सपोर्ट कर दी है? सारी फैमिली बहुत सपोर्ट करती है, इवन बहुत खुश होते हैं जब भी मैं जाती हूँ ना, विल बी लाइक अच्छा अब आगे क्या आ रहा है, अच्छा मैंने तेरा वो वाला एपिसोड देखा था यार, तो उसमें तो बड़ा बुरा बुरा कर रही है, ऐसे तो एक्चुअल में तो है नहीं है, तो ऐसे करते हैं अच्छा लगता है। जब हम थोड़ा सीरियल मतलब चलता होगा ना टेलीविजन टीवी के उपर, तो फिर मतलब तुम घर गए हो ना, वो तो शूट पहले ही हुआ होता सीरीयल है ना, फिर वो पुछते होते हाँ भी आ सीरीयल इदा अभी इतों तक देखा खत्म हो गया ना, भी उन्हें सस दिया इतों तक खत्म हो गया ना, सस की थोड़ी लड़ाई होगी ना, फिर हम तो अगे की होगा सानू दसो पहले। हाँ पूछते हैं बीच बीच में कि यार आगे बता ना, तो मैं आगे से बोल जानने के लिए देखिए कसम खाने 7 बजे। हाँ ऑफकोर्स मैं पहले बता दूँगी फिर आप क्यों देखोगे, बट हाँ थोड़ा सा मैं बता देती थी हल्का सा। जो थोड़ी पहले स्टार्टिंग हुई थी इस लाइन के इंडस्ट्री में भी तुम गाने तो किया है ना, वो किमें होया सारा कुछ? मैं राइट नाउ मैं अभी मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म कर रही हूँ चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से, तो जिस डिपार्टमेंट में मैं हूँ ना उसी के ऊपर वाले फ्लोर पे हमारा फिल्म स्टडीज का डिपार्टमेंट है, तो जस्ट बाई चांस ही हुई थी ये चीज़ कि कुछ स्टूडेंट्स थे फाइनल ईयर के, उन्होंने अपना प्रोजेक्ट सबमिट करवाना था, तो दे वर लुकिंग फॉर अ गर्ल जो कि कश्मीरी लुक, मतलब जिसकी कश्मीरी लुक हो और इनोसेंट फेस हो, वो सर्च आउट कर रहे थे, तो बाई चांस उन्हें मैं मिल गई, उन्होंने पूछा मुझसे कि आप करते मतलब आप एक्टिंग कर लोगे, देन आई टोल्ड देम कि हाँ मैंने किया हुआ है थिएटर वेटर बट कभी कैमरा एक्सपीरियंस नहीं किया। देन उसके बाद उन्होंने बोला कि हमारा एक सॉन्ग है तो आप प्लीज़
मतलब हमारे साथ इस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं। वो कौन गाने का नाम की थी वैसे? गाने का नाम था सचना। हम्म। और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, मुझे भी याद है उनका नाम जिन्होंने मुझे अप्रोच किया था, उनका नाम सुरेंद्र सिंह था, सुरेंद्र जी, मैं सुरेंद्र जी बोलती थी। उन्होंने भी मतलब मुझे उस टाइम पर काफ़ी मोटिवेट किया था। वहाँ से धीरे धीरे करके मेरे लिंक्स बनना स्टार्ट हुआ। मुझे नहीं पता था वो एक ऑफिशियल सॉन्ग है, मुझे लगा जस्ट एक कवर सॉन्ग होगा, बट लेटर आई गॉट टू नो कि वो ऑफिशियल सॉन्ग है। वैसे मतलब कभी ये आया जी माइंड कि हाँ भी यास्मीन एक दिन मॉडल बनूगी, है ना? फिर टीवी तो पर सीरियल आया करने के, टीवी से लोग ही देखा करने के, हाँ भी यार। नहीं, कभी नहीं सोचा था, मेरे माइंड में आया ही नहीं। ये था कि एक काम आ रहा है, फिर दूसरा काम आ रहा है, फिर तीसरा, फिर मेरे माइंड में लेटर ऑन क्लिक होना स्टार्ट हुआ कि अरे बाप रे, आई एम डूइंग समथिंग रियली गुड राइट नाउ। एंड उस चीज़ के लिए आई फील वेरी ब्लेस्ड कि हाँ ये चीज़ें हो रही हैं मेरे साथ। फिर एक मैंने अपना गोल सेट किया कि हाँ कि मुझे ये करना है, मैंने आगे ये करना ही करना है। अगर मुझे लग रहा है कि ये कैपेबिलिटी मेरे अंदर है तो डेफिनेटली पॉलिश करके मेरे को इसे किसी अच्छे मुकाम पे लेकर। वैसे स्टार्टिंग दे जैस्मिन का ये होंदा सी कि यास्मीन ने सिर्फ एक लीडर बुना जिदे विच कह लो कि हाँ भी नहीं हर एक चीज़ से लीडर ही करनी है, ठीक है, चाहे कह लो भी किसी गरीब लिए मसीहा बनना, NGO दे विच जाना, वो चीज़ दे विच अगे आना सी, उधर अगे अगे आते आते भी रुक के आखिर। हाँ, कह सकते हो, मतलब मैंने सोचा तो यही था कि मुझे पॉलिटिशियन बनना है ना एक टाइम पे, तो ये भी सोच लो जब बच्चे होते हैं ना, तो उस टाइम पर ये मेरा माइंड सेट था कि यार मुझे ना प्राइम मिनिस्टर बनना है एंड मुझे ये चीज़ें करनी है, उनको ठीक करना है यहाँ का सिस्टम जो है। बट लेटर ऑन जब मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटीज आने लग गई है ना, तो वो थाट भी मेरे माइंड से कहीं ना कहीं निकल गया। बट फिर मुझे एक्चुअल में रियलाइज हुआ कि अगर हेल्प करनी ही है तो ज़रूरी नहीं है कि पॉलिटिशियन ही बनना है तभी आप सुधार कर सकते हो, आप यहाँ पर रहकर भी कितने लोगों की हेल्प कर सकते हो। वो चीज़ मुझे रियलाइज हुई, वो मैं करती हूँ अभी भी। NGOs के साथ कनेक्टेड हूँ एंड मुझे पर्सनली एनिमल्स बहुत पसंद है, तो स्ट्रीट डॉग्स मैंने अडॉप्ट कर रखे हैं, उनके साथ रहती हूँ, उनकी हेल्प कर लेती हूँ। कोई मुझे लग रहा है कोई बच्चा, छोटा सा बच्चा है, मतलब यहाँ पर कितने बच्चे हैं हमारे खरड़ साइड में भी, तो वो आ जाते हैं, दीदी पैसे दे दो, दीदी भूख लग रही है, तो भूख लग रही है तो पैसे नहीं दूंगी, खाना है तो जो खाना है तो मेरे को बोलो, तो वो खिलाऊंगी, तो उसे खाना खिला देती हूँ, पैसे नहीं देती हूँ क्योंकि मुझे पता है ये उसकी आदत है, कहीं ना कहीं आदत बन जाएगी, आगे आदत बन जाएगी। खाना खाना भूख मान सकती हूँ, भूखा है कोई बात नहीं। जैसे जो पहले आर्टिस्ट थे ना, जैसे आपने थिएटर किया, ठीक है, फिर वो एक्सपीरियंस भी किया जिंदगी में भी क्या चीज़ होती है क्या नहीं, है ना? पर आजकल देखा जाए ना कि आज बस मेरे फ़ोन में मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, फ़ोन उठाया भी रील बनाई बस जी मैं एक्टर बन गया, बट तो वो चीज़ कहीं ना कहीं आपको लगता है कि हाँ भी वो चीज़ कि वो चीज़ से लेके जो थिएटर कर रहे हैं उन पे थोड़ा सा कोई डिपेंडिंग हो रहा है या कुछ कोई असर पड़ रहा है? मुझे पर्सनली फील होता है कि दिस इज 2022 एंड टाइम के अकॉर्डिंग चीज़ें बदलती हैं, तो वो भी एक तरीका है, थिएटर भी एक तरीका है, है ना? एंड कह सकते हो कि कई बार आपके अंदर ही टैलेंट होता है बट आपको वैसा मौका नहीं मिला होता कि आप शायद थिएटर कर लो, ऐसी भी चीज़ें होती है। आपके घर पे बैठे बैठे भी आप अगर एक्टिंग कर रहे हो, है ना, आपको लग रहा है कि देख देख के वो चीज़ ऑब्जर्व करके आप फोन में वो चीज़ रिकॉर्ड कर रहे हो और वो दुनिया के सामने ला रहे हो और वो काफ़ी अच्छा निकल रहा है, तो मुझे लगता है कि वो भी गलत नहीं है, वो भी एक कला ही है। बट हाँ, कहीं ना कहीं कह सकते हो कि इस चीज़ का अफेक्ट पड़ रहा है थिएटर आर्टिस्ट पे, क्योंकि यूजुअली थिएटर आर्टिस्ट डोंट बिलीव, मैक्सिमम सबकी बात नहीं कर रही, बट दे बिलीव लाइक कि सोशल लाइफ इज़ अ फेक लाइफ, है ना? वो रियलिज्म में बिलीव करते हैं जिसकी वजह से वो अपना सोशल प्लेटफॉर्म इतना प्रमोट नहीं करते, है ना, जिसकी वजह से उनको ड्रॉबैक फील होता है, क्योंकि यहाँ इंडस्ट्री में सबको सबसे ज़्यादा किसको अप्रोच की जाती है, किसको अप्रोच की जाती है, जिनके फॉलोअर्स ज़्यादा है, जिनको लोग जानते हैं, जिनका फेम है ना, जिसकी वजह से जो थिएटर आर्टिस्ट है कहीं ना कहीं वो
वो चीज़ फील करते हैं कि वही ना, मतलब जो मतलब फॉलोअर की बात करें ना, फॉलोअर तो चलो बोलते हैं कि पैसे दो तो फॉलोअर भी मिल जाएंगे, बट कहीं ना कहीं ये भी सवाल उठता है कि हाँ भी इन्हें एक्टिंग तो आती नहीं है, कभी इन्होंने थिएटर जाके देखा नहीं, कभी इन्होंने शो तो किया नहीं, मतलब करेंगे क्या शो छूट पे जाके। हाँ ये चीज़ होती है, बट कराने वाले पे भी बहुत डिपेंड करता है। अगर आपका डायरेक्टर अच्छा है तो वो आपसे काम निकलवा लेंगे। कहते हैं ना कि एक गुरु अगर अच्छा मिल जाए तो आपकी लाइफ सफल, तो वो चीज़ भी बहुत डिपेंड करती है। तो किस्मत की बात है ना। बाकी आपका काम बोलता है, ऑडियंस देखती है, हर चीज़ नोटिस करती है कि यार इसका काम कैसा है। और अगर उसे बाई चांस वो काम मिल भी गया और वो अच्छे से नहीं कर रहा, बाई चांस कह लो कि बाकियों के काम की वजह से वो प्रमोट हो गया, है ना, कब तक? टेम्परेरी पीरियड। असली काम तो आपका हुनर ही बोलेगा ना। सही है। अगला काम आपका वो काम देखकर ही मिलेगा जो आपने किया है। ये चीज़ परमानेंट है, वो चीज़ टेम्परेरी। हाँ यास्मीन, आपको कहीं ना कहीं सिंगिंग का शौक भी है ना, तो मैं मतलब आगे सवाल पूछने से पहले ये कहूँगा कि हाँ आपकी आवाज़, आप बोलते हैं भी मुझे लगता है कि मैं अच्छा गा लेती हूँ, मतलब उस लेवल का नहीं उस लेवल का नहीं, मतलब अपने जोगा, मतलब बोलते हैं ना पंजाबी दे विच मैं अपने जोगा, मतलब जिन्ने के जोगा खाना जिन्ने के जोगा का उन्ने के जोगा कर लूँगा, मतलब उस लेवल तक नहीं, मतलब जो आज बड़े स्टार हैं उनके लेवल तो कोई भी नहीं मतलब गा सकता जो ठीक है, बट अपने लेवल का मैं बोल रहा हूँ जैसे आप गा लेते हो, मैं वो सुनना चाहता हूँ। वैसे मैं हिंदी हिंदी आती नहीं मैनू, वैसे थोड़ा पंजाबी नहीं आती, मैं हिंदी नहीं आती। ठीक है, मतलब मुझे मतलब पर्सनली बोलो तो इतना अच्छा नहीं गाती मैं। एक गाना है मेरा मन आयुष्मान खुराना का, तो वही सुनाती हूँ आपको। ठीक है। तुझसे ही तो मिली है राह, तू ही तो मेरी है चाह, तुझसे ही तो जुड़ी जिंदगी। हाँ तेरी यादें है कुछ है पूरी, सांस आदि है कुछ अधूरी, आँखों में है कैसी ये नमी। मेरा मन कहने लगा पास आके न तू दूर जा, हाँ छूने दे होठ तेरे, जरा सांसों में अपने बसा। हाँ नहीं, आप इतना अच्छा गा तो लेते, मतलब थोड़ा सा और कोशिश करो है ना, भी गाना करो अपना। मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा रियाज की ज़रूरत है, नहीं इतना अच्छा गाती हूँ, बट कोई बात नहीं, आपने बोल दिया हम करेंगे, ट्राई करेंगे। जैस्मिन, जैसे आप मतलब इस मॉडल इस इंडस्ट्री में हो ना, एज ए मॉडल आया, एज ए आर्टिस्ट आया, मतलब कोई नया बंदा आए इंडस्ट्री में है ना, चाहे कोई इंस्टाग्राम वाला है या कुछ भी ऐसा हो ना, मतलब जब आपको किसी गाने का शूट आता है ठीक है, जहाँ किसी मूवी का शूट आना ना, कोई मतलब दो तीन ऐसी चीज़ होती हैं बोलते हैं कि हाँ भाई आप ये चीज़ करोगे, बाकी सारा कुछ आपका डन होता है, फील होता है यहाँ वर्ल्ड डन होना, बट एक दो चीज़ ऐसी आती हैं कि हाँ भाई आप ये चीज़ करोगे तो आपको मतलब लीड मिल जाएगी या आपको रोल मिल जाएगा, मतलब अक्सर ऐसा मतलब जो मतलब आर्टिस्ट लड़कियाँ होती हैं उनके साथ होता है। ये होता है और इस चीज़ से मैं डिनाई नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे भी काफ़ी बार ये बात पूछी गई। आपको आगे से यही बोलेंगे कि मैम आपका सब कुछ डन है, बट एक ना कंडीशन है, दे आर आस्किंग फॉर अ कॉम्प्रो, जो कि कह सकते हो कि हम सबको पता है गलत है, बट स्टिल दे आस्क फॉर इट। मैंने आज तक जितने भी लोग देखे हैं ऐसे, मुझे पर्सनली फील हुआ है उन्हें किसी बात का गिल्ट नहीं होता, बट ये आपके ऊपर ही होता है कि आप उस चीज़ को कैसे डील कर रहे हो। तो मैंने जितनी भी बार मुझसे ऐसा कुछ पूछा गया तो मैंने आगे से साफ मना ही किया है, और आगे से कोई उनका कोई प्रोजेक्ट नहीं किया अगर आगे से दोबारा पूछा जाता।
मतलब ऐसा क्यों होता है, मतलब जो आपके पास सारा कुछ है, ठीक है हुनर है, ठीक है मतलब आप चंगे आर्टिस्ट भी हो, गाने भी आए हुए हैं, फिर कॉम्प्रोमाइज़ कहाँ, मतलब क्या सिस्टम आता है कि कॉम्प्रोमाइज़ करोगे देन आपको गाना दे फील मिलेगा? लाइक ना कि शायद हमें उनकी अभी भी जरूरत है ना, दे फील लाइक कि हाँ इनको लालच देकर कि आपको फेम मिलेगा, आप उस लेवल तक पहुंच जाओगे, है ना, तो वो आपको एक शॉर्टकट सामने रखते हैं कि आप ये करो आपका ये हो जाएगा। और हाँ आप टेंशन मत लो, किसी को नहीं बताएंगे, ये चीज़ें होती हैं एक्चुअल में, बट उस टाइम आपके ऊपर ये होता है कि आप उस चीज़ को कैसे डील कर रहे हो, आप उस जाल में आ रहे हो या फिर आप उनको साफ इग्नोर करके स्टेप बैक लेके अपना जो आप एक्चुअल में काम करना चाहते हो उसकी तरफ ध्यान दे रहे हो। ये हमेशा लड़कियों के साथ ही होता है या लड़कों को लड़कों भी? के साथ भी होता है, अच्छा बिल्कुल होता है, बेशक होता है, सिर्फ लड़कियों के साथ नहीं होता, लड़कों के साथ भी होता है इस लाइन में, क्योंकि मुझे भी पर्सनली मेरे खुद के दोस्त हैं एक्टर्स, उन्होंने मेरे साथ ये बात शेयर की है कि यार ऐसा ऐसा हम हमें भी पूछा जाता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कियों को। मैंने कहा ओ अच्छा, ये मुझे नहीं पता था। फिर जब पता लगा तो लेटर ऑन आई गॉट टू नो कि सिर्फ लड़कियों के साथ नहीं होता है। मतलब कई यार मतलब ऐसा देखने को मिलता है, ठीक है जो आर्टिस्ट हो, ठीक है वो साइड पे होते हैं, मतलब जिस लड़की ने कभी किसी गाने में देखा भी नहीं, ठीक है एक्टिंग का पता भी नहीं है भी ये एक्टिंग क्या होती है ना, वो गाना लीड पे होता है उनका, होता है, वो सारा इस चीज ही से होता है कि हाँ भी ठीक है। जरूरी नहीं है, और भी फैक्टर्स हो सकते हैं, वी कांट से लाइक दिस ओनली, नबी नेवर नो कि बैक स्टोरी क्या है। ये मेरी स्टार्टिंग से चीज़ रही है कि मैं सुनी सुनाई बातों पे बिलीव नहीं करती अंटिल और अनलेस मैंने खुद देखा हो, ये चीज़ है। एंड मैक्सिमम टाइम होगा बट एवरी टाइम नहीं। बिल्कुल जी अज की गलबात हम आप इतने ख़त्म कर दें, क्योंकि हमेशा साड़ी कोशिश होंगी भी थोड़ा नवे चेहरे दिखाइए तो उन्होंने चीज़ों तो जागरूक करिए, जड़िया चीज़ों तो अजे भी आप उन्होंने घिरे हुए हैं भी आह चीज़ इदा नहीं करनी, आह चीज़ इदा नहीं होनी चाहिए, आह चीज़ लैके इतने गलत है, सो उन्होंने चीज़ों तो अवेयर करते रहिए, नवे चेहरे थोड़े तक लैके आते रहिए। हूँ मैंने आजाद कैमरामैन गुरदे नाल गुरचेत सिंह, सत श्री अकाल।